भोपाल में सोमवार को रानी कमलावती रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने पहुंचे पीएम मोदी के साथ मौजूद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुरक्षा गार्ड ने हाथ लगाकर पीछे कर दिया। इसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। दरअसल उद्घाटन समारोह स्थल की ओर जब पीएम मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान साथ साथ चल रहे थे, तभी पीएम के साथ मौजूद एक सुरक्षा कर्मी ने मुख्यमंत्री का हाथ पकड़कर थोड़ा पीछे रहने का अनुरोध किया। इस पर मुख्यमंत्री तुरंत पीछे मुड़कर देखे और थोड़ा रुक गए। पीएम मोदी के आगे बढ़ने पर फिर वह पीछे से गए। हालांकि इस तरह की घटनाएं पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले भी फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग के साथ भी ऐसा हो चुका है। मोहम्मद साजिद नाम के एक यूजर ने लिखा, मामा जी जोश में रेड लाइन क्रॉस किए, कैमरे और साहब के बीच में आ गए। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस सेवा दल ने लिखा, पीएम मोदी के साथ चलने वाले सुरक्षा कर्मी, कैमरामैन और मोदी जी के रास्ते में आने वाले तय सीमा पार करने वालों को चिन्हित करने के लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित जनजाति गौरव दिवस और बिरसा मुंडे की जयंती के कार्यक्रम में पीएम मोदी ने शिरकत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायुसेना के एक विशेष विमान से भोपाल राजा भोज विमानतल पहुंचे थे। पीएम मोदी ने आयोजन स्थल जमुरी मैदान के कार्यक्रम में भाग लेकर विशाल जनसभा को संबोधित किया था। इसके बाद हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जिनका नाम बदलकर रानी कमलावती रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, उसका उद्घाटन भी किया।